वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर इंतखाबी धांधलियों की शिकायत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन और मरकजी फोर्सेस का किरदार जानिबदाराना है। उन्होंने दावा किया है कि तीसरे मरहले की पोलिंग के दौरान बीजेपी कारकुनान ने पोलिंग बूथ पर जबरदस्ती कब्जा किया और पार्टी उम्मीदवारों समेत तृणमूल कांग्रेस के लीडरों पर हमला किया और उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो इस तरह के धमकी आमेज हथकंडों से दबने वाली नहीं है। अलीपुरदावर जिले में एक जलसे आम से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि आरामबाग में उनकी पार्टी की नामजद उम्मीदवार सुजाता मंडल को भगवा पार्टी के कारकुनों ने एक पोलिंग बूथ के करीब पीछा किया और उनके सर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारे शेड्यूल जात की उम्मीदवार सुजाता को शदीद चोट पहुंचाई गई जब वो किसी बूथ पर जा रही थी और खानाकोल में भी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पर हमला हुआ है और कैनिंग ईस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे उम्मीदवार शौकत मुल्ला को बुध में दाखिल होने से रोका। ऐसे मुतअद्दिद वाकयात पेश आ चुके हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि रियासत भर में हमारे उम्मीदवारों और पार्टी कारकुनों पर हमले हुए हैं।